है वो किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, बेरोजगारों को सिर्फ वायदे दिए हैं। वायदे वायदे वायदे, बिजली का वायदा, पानी का वायदा, रोजगार का वायदा, 15 लाख का वायदा। और भाइयों और बहनों, आपको वायदे और उन 15 लोगों को लाखों करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में सीधा डायरेक्ट कटाक। अच्छा, बड़ा मजाक बनाया, बड़ा मजाक बना, बड़े नरेंद्र मोदी जी बड़े चालू हैं। देखिए सुनिए, मजे की बात बताता हूं। अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ रुपए बैंक का पैसा, नाम आपको मालूम है। देखिए, नीरव, मेहुल, ललित, विजय, अनिल, अच्छा, इन सब के बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ 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 पैसा। ओ, विजय माल्या के बैंक अकाउंट में 10,000 करोड़, नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए, मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ रुपए, अनिल अंबानी 45,000 करोड़ रुपए। और मैंने अभी राफेल की बात ही नहीं की, बात नहीं की राफेल की, वो तो कर्जा माफ है, उसका 45,000 करोड़ रुपए कर्जा। चल मुझे एक बात समझा दो, आपसे कहते हैं भाइयों और बहनों, मित्रों, मैं आपके बैंक अकाउंट खोलूंगा, सबके बैंक अकाउंट खोल दिए और पैसा उनके बैंक अकाउंट में डालते हैं, आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपया नहीं डाला। सही बात है ना, आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपया नहीं, आपके बैंक अकाउंट खोल दिए सबके। अब मैं काम पूरा करने वाला हूं, न्याय योजना का पैसा नरेंद्र मोदी जी के बैंक अकाउंट जो उन्होंने खोले, उन्हीं बैंक अकाउंट में मैं पैसा डालूंगा। और मैं बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पैसा कहां से आएगा, मैं बताता हूं मोदी जी, ये जो चोर है ना अनिल अंबानी, डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट से 45,000 करोड़ निकाल के तो वह पहले आएगा, डायरेक्ट सीधा उधर से यहां। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, इन 15 लोगों का कितना माफ किया, 15 लोगों का 5,55,000 करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ किया है। और अजमेर के किसान दिन भर नरेंद्र मोदी जी से कहते हैं, मोदी जी हमारा भी माफ कर दीजिए, मोदी जी हमारा भी कर्जा माफ कीजिए, हमारा भी कर्जा माफ कीजिए। मोदी जी कहते हैं, भैया देखो, किसान का कर्जा माफ करना हमारी पॉलिसी नहीं है, हम तो सिर्फ अनिल भाई का करते हैं, मेहुल भाई का करते हैं, नीरव भाई का करते हैं, हम किसान का नहीं करेंगे। देखिए, यहां चुनाव हुआ था और मैंने विधानसभा के चुनाव में साफ बोल दिया था, ऐसे ही भाषण में मैंने बोला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में मैंने कहा, देखिए मुझे नहीं मालूम, आसमान फट जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर 10 दिन के अंदर, 11 दिन नहीं लगने वाले, 10 दिन के अंदर किसानों का, राजस्थान के हर किसान का मैं कर्जा माफ करके दे दूंगा। और 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन में काम शुरू हो गया था। और ऐसे ही मैं कह रहा हूं, आप सबसे कह रहा हूं, अजमेर के युवाओं से, किसानों से, मजदूरों से कह रहा हूं, 2019 के चुनाव के बाद 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में न्याय योजना का 72,000 रुपए साल का जा रहा है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या हो जाए, आसमान फट जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डालूंगा। और क्यों डालूंगा बताता हूं, एक, गरीबों की मदद करने के लिए और उनको बताने के लिए, किसानों को बताने के लिए कि यह देश आपका है, मगर दूसरा कारण भी है। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, अजमेर के जो बिजनेस थे, छोटे छोटे बिजनेस थे, अजमेर के जो दुकानदार थे, सबको नष्ट किया, खत्म किया। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, पहली कुल्हाड़ी नोटबंदी धार और दूसरी कुल्हाड़ी गब्बर सिंह टैक्स धार। हंसते हुए किया, पता नहीं क्या बात थी, 8 बजे रात को नोटबंदी, 12 बजे रात को गब्बर सिंह टैक्स, रात को आएगा भैया गब्बर सिंह लूटने, रात के समय 12 बजे लागू किया।
मगर गब्बर सिंह टैक्स ने और नोटबंदी ने किया क्या? ये जो माताएं बहनें आई हैं, इन्होंने जो पैसा बचाया था घर से छीना, युवाओं के हाथ में जो पैसा था नरेंद्र मोदी जी ने उनके जेब से निकाला, किसानों के घर में जो पैसा था नरेंद्र मोदी जी ने उनके घर से निकाला, छोटे दुकानदारों से छीन कर पैसा निकाला और हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15 लोगों के बैंक अकाउंट में डाला। ठीक है, उनको फायदा हुआ मगर देश का भी नुकसान हुआ, क्योंकि जैसे ही उन्होंने इन माताओं बहनों के घर से पैसा निकाला, किसानों के घर से पैसा निकाला, वैसे ही आपने माल खरीदना बंद किया। आपके जेब में पैसा नहीं था, पैसा नरेंद्र मोदी जी ने छीन लिया, तो कैसे खरीदोगे माल, कैसे खरीदोगे? आपने माल खरीदना बंद किया, शर्ट पैंट मोबाइल फोन सेलफोन चश्मे जो भी आपने खरीदना बंद किया, साड़ी खरीदनी बंद की। जैसे ही आपने माल खरीदना बंद किया, वैसे ही दुकानदारों ने माल खरीदना बेचना बंद किया। जैसे ही दुकानदारों ने माल बेचना बंद किया, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया। जैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया, मालिकों ने युवाओं को बुलाया, कहा भैया इधर आइए, अब फैक्ट्री में आपकी कोई जरूरत नहीं, अब आप जाइए वापस। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, माल कोई खरीद नहीं रहा है, फैक्ट्री को हम चालू नहीं रख सकते, चलिए आप घर जाइए। जैसे उन्होंने आपको घर भेजा, बेरोजगारी शुरू हो गई। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में अजमेर में आ चुकी, सारे के सारे छोटे बिजनेस बंद हो गए। अब देखिए, ट्रक होता है, ट्रक बिना डीजल के चल सकता है क्या? चल सकता है? अगर ट्रक में डीजल ना हो, चाबी घुमाओ, कुछ होता है? नहीं होता ना। वैसे ही आपके खरीदने के बिना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। न्याय योजना आपके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालेगा हर महीने। आप देखना बैंक अकाउंट, देखना हर महीने 6000 रुपए सॉरी। जैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, किसानों के बैंक अकाउंट में, माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में, वैसे ही आप माल खरीदना शुरू करोगे। ये माताएं साड़ी खरीदेंगी, शर्ट पैंट मोबाइल फोन जूता। जैसे ही आप माल खरीदना शुरू करोगे, वैसे ही दुकानदार माल बेचना शुरू करेंगे। जैसे ही दुकानदार माल बेचना शुरू करेंगे, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां जादू से चालू हो जाएंगी। जैसे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां माल बनाना शुरू करेंगी, वैसे ही अजमेर के लाखों युवाओं को उन्हीं फैक्ट्रियों में एक बार फिर रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था धड़ाक से इंजन, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का इंजन धड़ाक से चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा काम। न्याय योजना के 2 लक्ष्य भाई और बहनों, गरीबों के जेब में पैसा डालना और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करना, यह काम हम आपके लिए करने जा रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा अपने प्यारे किसानों के बारे में, युवाओं के बारे में, मजदूरों और माताओं बहनों के बारे में कहना चाहता हूं। देखिए, मजदूरों से कहना चाहता हूं, न्याय योजना का पैसा आपके जेब में जाएगा, मगर हम वहां नहीं रुकना चाहते। पहले 100 दिन मनरेगा मिलते थे, हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है 100 दिन नहीं 150 दिन मिलेंगे मनरेगा से। और सिर्फ मनरेगा का पैसा नहीं, जिसकी भी आमदनी 12000 रुपए प्रति महीना से कम है, 6000